पापा जी, माँ, मैं अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई थी, बल्कि इस अमृता ने मुझे अगवा करके रखा था। अरे हम सबको पता है कि रुचिता ने खुद जाके तालाब में सुसाइड किया था। अपना जुर्म छुपाने के लिए तुमने ये नई कहानी बुनी है अमृता, और इस खेल में तुम्हारा साथ दिया था सुनहरी। ये क्या बोल रही है रुचिता? सुनहरी तो अमृता ही थी ना। खैर मुझे क्या, सामने से कुछ भी बोलकर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारनी है मुझे। सुनहरी वो तो मर चुकी थी ना। वो भी मेरी तरह बच गई थी निहार जी, और इस अमृता ने उसके गरीबी और भोलेपन का फायदा उठाया, अपना मतलब निकलते ही इसने उसे भी मार डाला। वैसे ही जैसे तुमने सबके सामने मुझे मारने की कोशिश की अभी अमृता। मैंने तुम्हारी दरिंदगी अपनी आंखों से देखी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ। मैं झूठी हूँ तो क्या ये जहर की शीशी भी झूठी है जो तुमने सुनहरी को पानी में मिलाकर दिया था? ये गलत है, गलत है तो क्या उस कालीन में लगे सुनहरी के खून के थप्पे भी गलत है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुनहरी को कार में डालकर तुमने तालाब में धक्का नहीं दिया है? नहीं, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं फेंका। तुमने ही सुनहरी को मारा है अमृता, एक कातिल हो तो। तुम्हारे हाथ एक मासूम के खून से रंगे हैं। गौर से देखो, अभी भी लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे होंगे। वो सुनहरी का खून नहीं था, मैंने सुनहरी को नहीं मारा क्योंकि मैं खुद सुनहरी हूँ। क्या कितना झूठ बोलोगी अमृता? तुम पहले ही झूठ के दलदल में फंसी हुई हो। थोड़ा तो सच का साथ दे तो शायद भगवान तुम्हारी सजा कम कर दे। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं सुनहरी हूँ। उस कालीन में लगे खून के डब्बे, उस कार में लगे खून के डब्बे साबित कर रहे कि सुनहरी को तुमने मारा है अमृता। We'll be right back.
बेब, मेरा मतलब सब रिता। एक शब्द और नहीं। निहाल एक बार मेरी बात। मैंने कहा ना बस। निहाल तुम समझ नहीं रहे हो, ये रुचिता का भूत मुझे फंसा रहा है। जीना हराम करके रखा है इसने मेरा, इसकी तो मैं। रुचिता की तरफ अगर एक कदम भी बढ़ाया ना, है आज अपनी सारी हद भूल जाऊंगा। झूठ सिर्फ जीत का शोर मचाती है अमृता, और सच सच शांत होकर मंजिल हासिल कर लेता है। लेकिन रुचिता बेटा, ये सब हुआ कब और कैसे? उस दिन जब आप लोग घर से बाहर गए। अभी जो पानी पीकर आई हो ना तुम, वो सिर्फ पानी नहीं था, उसमें थोड़ा सा जहर भी था। श्याम जी के कृपा से मैं बच गई, और फिर मैंने फैसला लिया कि इस अमृता को उसी के खेल में फंसाऊंगी। तुमने मुझे क्यों मारा? रुचिता, भूत। मतलब वो सब तुम्हारा भूत नहीं, तुम खुद कर रही थी। जाको राखे साईया मार सके न को, जिस पे उसका हाथ होता है ना अमृता, उससे मौत भी हार मान ली थी। तुमने छल की बिसात बिछाई थी, लेकिन मैंने अपने सच से तुम्हें शह और मात दे दी। मैं आप लोगों की भी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। हम लोगों की लड़ाई की वजह से आप लोगों को भी बहुत दर्द सहना पड़ा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मतलब रुचिता, मैंने जब भी तुम्हें अपने आसपास महसूस किया, तुम यहीं थी। लेकिन बेटा, इस ढोंग के पीछे छुपने की क्या जरूरत थी? सच को किसी ढाल की जरूरत नहीं होती। वही तो दुख की बात है पापा जी, आजकल विश्वास झूठ के साथ चलता है और सबूत सच के साथ। जब दादी जी सीढ़ियों से गिरी थी तब भी तो यही हुआ था ना। क्योंकि तुमने उन्हें धक्का दिया था रुचिता, इसका सबूत भी है मेरे पास। ये देखिए, देखिए पूरा वीडियो दिखाओ अमृता। मैंने कहा सबको पूरा वीडियो दिखाओ। अमृता फोन दो। फोन दो। निहार जी, उस दिन इसी वीडियो की चिप भेजी थी मैंने, जो अमृता ने टीवी में डाल के ब्लास्ट कर दिया था। नहीं, ये झूठ बोल रही थी ये वीडियो, ये पता नहीं कहां से आया मेरे फोन में, कि झूठ है ये। ठीक है,
ये वीडियो झूठा है ना, लेकिन जीते जागते सबूत पर तो सब यकीन करेंगे ना। ठीक हो गई? हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो उसी दिन से सुधरने लगी थी जिस दिन इस अमृता ने रुचिता को जहर दिया। इसके डर ने ही मेरी जबान पर ताला लगा रखा था। इसने मेरी जान लेने की धमकी दी थी। मगर जब मैंने रुचिता को सही सलामत देखा तो मुझ में भी लड़ने की हिम्मत वापस आ गई और फिर मैंने रुचिता का साथ दिया। वाह, आप तो सच में मेरी दादी निकली। खड़े खड़े मुझसे भी बड़ा खेल खेल गए आप। अरे खुद अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया था ना आपने, तो अब जब फंसने की बारी है तो सारे इल्जाम मुझ पे डाल रही है। इतनी बड़ी ड्रामेबाज है आप, ये जान बूझ के गिरी थी ताकि रुचिता पे इल्जाम आए और उसे इस घर से निकाला जाए। बेटा बेटा, मैं मानती हूँ कि मुझे रुचिता नापसंद थी, लेकिन तू खुद ही सोच, क्या मैं उसको घर से भगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगी? है बेटा, बात तो सही है माँ जी की, अगर वो ऐसा कुछ करती तो मुझे जरूर बताती। ये तो मैं शुरू से जानता था कि तुम एक बहुत ही मतलबी और ड्रामेबाज लड़की हो, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। निहार, सिर्फ इतनी सी कहानी है मेरी कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं। तुमसे इतना प्यार करती हूँ मैं कि तुम्हें देखे बिना जी नहीं सकती। तुम्हें पाना था मुझे निहार, तुम्हारे लिए वापस आई हूँ मैं। ओ प्लीज, प्यार का मतलब भी समझती हो तुम? प्यार जीता जाता है, पाया नहीं जाता। और तुम तो रुचिता की जान लेकर अपनी जिंदगी शुरू करने के सपने देख रही थी। क्या करने जा रहे थे हम? एक अपराधी के साथ हमारे बेटे का रिश्ता जोड़ रहे थे? इतना बड़ा धोखा देने से पहले तुमने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि ये तुम्हारी बहन का ससुराल है। एक मिनट, हो गया सबका फालतू का ज्ञान? सब पता चल गया ना तो अब ये तमाशा खत्म करिए और शादी करवाइए मेरी और निहार की। देखो अमृता, माना तुम्हारी बातों में आकर अब तक हम गांधारी बने बैठे थे, लेकिन अब हमारे आंखों की पट्टी हट गई है। आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकलेंगे हम। अरे होने वाली दादी है आप, पोता पोती को नहीं खिलाएंगी? अगर ये शादी नहीं हुई ना तो अभी के अभी निहार के इस बच्चे को मार दूंगी मैं।
पागलपन मत करो अमृता। बिहार सिर्फ एक रास्ता है तुम्हारे पास, या तो मेरी मांग में ये सिंदूर भरो, क्योंकि तुम्हारे नाम का सिंदूर का हक सिर्फ मेरा है, या फिर मैं इस बच्चे को अभी मार दूंगी। पागलपन मत करो अमृता। पागलपन नहीं, ये प्यार है मेरा जो तुम्हें मुझे देना ही होगा। प्यार क्या, तुम हमारे नफरत और दुश्मनी के लायक भी नहीं हो अमृता। इस बच्चे को मारना चाहती हो ना, तो मार दो। ये देखिए, देखिए अपनी संस्कारी बहू को, अपनी नफरत के लिए मासूम की जान लेना चाहती है ये। रुचिता, मैं मानता हूँ कि ये बच्चा एक भूल थी, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट सकता। निहार जी, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, कोई भूल नहीं हुई थी आपसे उस दिन, कुछ भी नहीं हुआ था उस रात। अमृता जब प्रेग्नेंट है ही नहीं तो मारेगी किसे? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। और रुचिता, हाँ, मैंने अमृता की प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट देखी थी। वो फेक रिपोर्ट है माँ। मैं अभी उसका भी पर्दाफाश करती हूँ। ये रहा इसका नया झूठ, आप सबको बेवकूफ बनाना चाहती थी ये 9 महीने का पेट मंगवा के। उस दिन हिजड़ों ने इसी को देखा था, और लेकिन आखिरी वक्त पर इसने इसको बदल कर तकिया लगा लिया था। मुझे गलत साबित करने के लिए तुम मेरी ममता पे उंगली उठाओगी? ममता जैसे पवित्र शब्द को गाली मत बनाओ अमृता। इस चीज में मैं गलत नहीं हूँ, अपने और निहार के रिश्ते का सबूत है मेरे पास। ये देखिए, मेरे और निहार के बीच हर दूरी मिट गई। बिना पत्नी बनाए उसने मुझे वो सारे हक दे दिए। उस रात निहार जी सो गए थे, मैंने खुद उनको नींद की दवा सुखा के सुलाया था। नहीं, निहार जाग रहा था और हम दोनों ने बस। कुछ तो शर्म करो तुम दोनों, क्या बोले चले जा रही हो? खड़े हैं ना बड़े यहाँ पर, मैं माँ जी, निहार के पापा, बड़े बुजुर्गों का कुछ तो लिहाज करो। और रुचिता, हाँ, मैंने अमृता की प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट देखी थी। वो फेक रिपोर्ट है माँ। मैं अभी उसका भी पर्दाफाश करती हूँ। डर क्यों रही हो? तुम तो सच कह रही हो ना, तो करने दो उसे जो करना। हेलो आयुष्ला, मैं अमृता बोल रही हूँ। वो फेक रिपोर्ट कब तक बनेगी? मैडम, आपकी नकली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और हाँ, प्रेगनेंसी रिपोर्ट नकली बनाने में जितने पैसे लगे थे उससे ज्यादा पैसे देने होंगे इस बार। मैं कुछ घंटों में रिपोर्ट भिजवा दूंगा। नकली रिपोर्ट? मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं नहीं हाँ, ये फेक कॉल है। ये रुचिता मुझे फंसाना चाहती है, झूठ बोल रही है। ये फंसा रही है मुझे, ये फेक कॉल है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी घिना रही हो मुझे। अभी तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी। अमृता, इतनी बड़ी बात, इतने बड़े जज्बात का भी तुमने मजाक बना के रख दिया। अगर ही ट्रस्ट में सुचिता झूठ बोल रही है तो ठीक है, फिर करवा देते हैं तुम्हारा दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट। मैं करूं डॉक्टर को फोन? मेरी लाइफ में ना तुम्हारे लिए कभी कोई जगह थी, ना है और ना ही कभी रहेगी। कच्ची मिट्टी का बना होता है उम्मीदों का घर अमृता, जो अक्सर हकीकत की बारिश में बह जाता है। अगर ऐसा है रुचिता तो आज एक सच्चाई मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है अमृता, जिसे आज फूटना ही था, इसलिए चुपचाप अपनी सच्चाई मान लो, वरना टेस्ट होने के बाद वैसे भी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। रिश्ते के लिए इतना ड्रामा कर रही थी ना तुम, असल में वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो अमृता। साफ साफ बात ये है कि निहार तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। शादी के दिन वो भागकर मेरे पास आया था क्योंकि उसे मुझसे शादी करनी थी। जिस रिश्ते के लिए इतना ड्रामा कर रही थी ना तुम, असल में वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो अमृता। साफ साफ बात ये है कि निहार तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। शादी के दिन वो भागकर मेरे पास आया था क्योंकि उसे मुझसे शादी करनी थी।